जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा है। थंबनेल में आदि पुरुष की रिलीज को रोक दिया गया है। आप देख रहे हो मूवी टाइम और मैं हूँ कमलेश। दोस्तों आपको याद है जब इसका टीज़र और जब इसका पोस्टर रिलीज हुआ था, काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था इस फिल्म का। किसी को भी वो टीज़र या वो पोस्टर पसंद नहीं आया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई कार्टून जैसी फिल्म चल रही है, या जो भी इनके एक्टर्स के जो ड्रेसअप किए गए हैं, ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया था और सबने अपना व्यू अपना मंतव्य व्यक्त किया था। लेकिन उनके जो मेकर्स है फिल्म के, उन्होंने अपने आप को काफ़ी डिफेंड करने की कोशिश की थी। अलग अलग मीडिया हाउस में जाके, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया था कि ये जो VFX वाले जो सीन है वो 3D में आपको बेहतर लगेंगे, एक टीज़र में उतना मज़ा आपको नहीं देंगे। और ड्रेसअप की बात है तो उनका कहना था कि एक क्रिएटर का अधिकार है कि वो अपने कैरेक्टर को, अपने पात्रों को किस तरीके से दिखाना चाहता है। अगर वो किसी अलग तरीके से भी दिखाना चाहता है तो वो उनको अधिकार है, वो दिखा सकता है। लेकिन किसी को भी संतोष नहीं हुआ था इन सारे क्लेरिफिकेशन से। और आखिरकार फिल्म के मेकर्स भी इस बात को समझे हैं कि ऑडियंस नाराज है और इसका फिल्म पर बुरा असर हो सकता है, और उन्होंने फिल्म को पोस्टपोन करने का डिसीजन लिया है और उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया है। देखिए आप दोस्तों, फिल्म की जो रिलीज़ है वो 12 जनवरी को होने वाली थी। इसे 6 महीने लंबा कर, 6 महीने पीछे करके 16 जून कर दिया गया है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हमें थोड़ा और ज़्यादा वक्त चाहिए इसके VFX को, CGI को ठीक करने के लिए। और जानकारी यहाँ तक मिली है कि कुछ सीन्स को रीशूट किया जाएगा, और ये बहुत अच्छी बात है। हम स्वागत करते हैं मेकर्स के इस डिसीजन का एज अ फिल्म लवर्स। लेकिन देखना यह है कि अब 6 महीने के वक्त में ये क्या नया कर पाते हैं, किस तरीके से चेंजेस कर पाते हैं। उम्मीद तो यही है कि हमें कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोगों के क्या विचार है इस पूरे विषय पर, आप मुझे कॉमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज, टेक केयर।